नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों से। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवंबर की सुबह 7 बजे से 30 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। चंद्रयान 3 के लॉन्च व्हीकल LBM-3M4 का एक हिस्सा नियंत्रण से बाहर हो गया है या पृथ्वी के वातावरण में फिर से प्रवेश कर गया है। इसकी जानकारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने बुधवार को दी। अनियंत्रित होने वाला हिस्सा लॉन्च व्हीकल का क्रायोजेनिक अपर स्ट्रेस था, जिसने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को तय कक्षा में स्थापित किया था। इसरो ने बताया यही हिस्सा बुधवार 15 नवंबर की दोपहर 2:42 पर पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हुआ। टीटी नगर इलाके में अंजलि कॉम्प्लेक्स में रहने वाली फैशन डिजाइनिंग की छात्रा की बुधवार को संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। शव बेड पर बरामद किया गया है। युवती के गले पर चोट के निशान है, एक पांव का नाखून टूटा है। गुरुवार को बॉडी पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दी गई है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। सतना में एक क्षेत्र के रहवासी का दूसरे क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित किए जाने के चुनाव आयोग के सरकारी फरमान के बावजूद चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के गांव में घूमकर शराब बांट रहे कांग्रेसी को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि आरोपी नेता ने इस वीडियो का पुराना बताया और कहा कि विरोधी इसे वायरल कर दुष्प्रचार करना चाहते हैं। निष्पक्ष और बिना किसी प्रलोभन के मतदान कराने की चुनाव आयोग की तमाम कोशिशों और एहतियाती इंतजामों के बावजूद शराब, रुपए और मतदाताओं को प्रलोभन देने वाली सामग्रियों के वितरण पर रोक नहीं लग पाई। शराब बांटने की ऐसी ही कोशिशों के विरोध पर अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र के रामनगर में एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। मामला थाने पहुंचा तो वहां कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं का मजमा लग गया। ग्वालियर के सिटी सेंटर में DRDO के रिटायर्ड डायरेक्टर की पत्नी की बहन पर झपट्टा मारकर बाइक सवार दो बदमाश पर्स छीन ले गए हैं। घटना बुधवार शाम सिटी सेंटर इलाके की है। घटना के बाद महिला ने शोर भी मचाया, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता बाइक सवार स्पीड बढ़ाकर फरार हो गई। ग्वालियर में एयर टर्मिनल की एक बिल्डिंग में बुधवार दोपहर उस समय हादसा हो गया जब वाटर टैंक में 50 फीट की गहराई में केमिकल पेंट का बॉक्स फट गया। यह खास तरह का केमिकल था और टैंक में इतनी गहराई में ऑक्सीजन के लिए कोई ज्यादा जगह नहीं थी, जिसके चलते वहां काम कर रहे 4 मजदूर उसमें फंस गए। केमिकल से दम घुटने लगा। हादसा होते ही वह हंगामा खड़ा हो गया। तत्काल दमकल दस्ते को मामले की सूचना दी गई। दमकल दस्ते ने मौके पर पहुंचकर पहले तो नीचे फंसे मजदूरों को ऑक्सीजन पहुंचाई। रीवा जिले की गुड़ विधानसभा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में SST टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां BJP कार्यालय में मतदाताओं को लुभाने के लिए लिफाफे में 5,000 रुपए लिफाफे में डालकर वितरण कर रहे थे, जिसे SST टीम ने की छापामार कार्रवाई करते हुए कई लिफाफों को बरामद किया है। अब इस कार्रवाई के बाद गुड़ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी पर कैश फॉर वोट का आरोप लग रहा है। उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज में मतदान दल की रवानगी के समय महिला कर्मचारी बेहोश हो गई, साथ ही महिलाओं ने उन्हें संभाला। महिला कर्मचारी की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में आज सुबह मतदान दलों को सामग्री का वितरण किया जा रहा था। इसी दौरान एक महिला कर्मी की तबीयत बिगड़ गई। निर्वाचन ड्यूटी में लगी रंजीता गुरुवार सुबह मतदान केंद्र में पहुंचने से पहले बेहोश हो गई। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अपनी एक फर्जी वायरल वीडियो पर नाराज हैं। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि में मतदान पूर्व चाहे भाजपा जीत जाए, किंतु कांग्रेस को नहीं जीतना चाहिए। जैसा विशुद्ध, गलत व फर्जी वीडियो को कांग्रेस द्वारा प्रचारित करना दुर्भाग्यपूर्ण व उनकी हताशा का प्रतीक है। उन्होंने आगे लिखा कि यह षड्यंत्र BSP की मजबूत स्थिति को देखते हुए है, लोग सावधान रहें। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।